न चाहूं मान दुनिया में, न चाहूं स्वर्ग को जाना। न चाहूं मान दुनिया में, न चाहूं स्वर्ग को जाना। मुझे वर दे यही माता, रहूं भारत पे दीवाना। मुझे वर दे यही माता, रहूं भारत पे दीवाना। प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर चारुशीला सिंह हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि ये जो भारत भूमि है, इस पर अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले दीवानों की एक लंबी सूची है, और उस सूची में एक दीवानी भी शामिल है जिसे बहुत ही आदर और सम्मान के साथ इस दुनिया ने एक और नाम दिया है, मर्दानी। जी हाँ बच्चों, आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ झांसी की रानी की। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने और आपने देश प्रेम से जुड़ी हुई एक कविता पढ़ी, माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता, जोश और ऊर्जा की संवाहक थी वो कविता, शीर्षक था जवानी। आज पुनः उसी भावभूमि पर आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी इस कविता के माध्यम से आपको और हमें क्या बताना चाहती हैं। तो आइए बच्चों, चलते हैं काव्य खंड के अंतर्गत आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित जो आज की कविता है, उसका शीर्षक है झांसी की रानी की समाधि पर। आइए जानते हैं क्या है इस कविता में मुख्य पाठ परिचय। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि परिचय का बहुत महत्व होता है। ये संक्षिप्त परिचय पूरे विस्तृत अध्ययन में आपके लिए अति उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो ध्यान दें, इधर पाठ का नाम झांसी की रानी की समाधि पर। रचयिता यानी कवयित्री जो है, जिन्होंने इसकी सर्जना की, सुभद्रा कुमारी चौहान। भाषा वही चिरपरिचित खड़ी बोली। शैली ओजपूर्ण आख्यानक गीति शैली। रसवीर गुण ओज। और जो छंद है वो तुकांत मुक्त है। कविता त्रिधारा नामक काव्य संग्रह से ली गई है। तो आइए बच्चों, अब हम इस अध्ययन को गति देते हैं, पर इसको पढ़ने से पूर्व, इस कविता में जाने से पूर्व एक आवश्यक पड़ाव, कवि परिचय की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि कवयित्री ने साहित्य की कितनी और कैसी सेवा की है, कैसा रहा उनका पारिवारिक जीवन और साहित्यिक देन। तो आइए बच्चों, इस अध्याय के अंतर्गत प्राप्त करते हैं कवयित्री के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। कवि परिचय, ध्यान दीजिएगा बच्चों। जन्म सन 1940 में। जन्म स्थान निहालपुर इलाहाबाद। शिक्षा क्रॉस्थविट गर्ल्स कॉलेज इलाहाबाद। भाषा जो है वो साहित्यिक खड़ी बोली है, आपकी अपनी बोली है इसलिए सब बहुत अपना सा लगता है। शैली ओजयुक्त व्यावहारिक। आज जो हम कविता पढ़ने वाले हैं वो भी ओज की ही है, वीर रस की ही है, उसी भावभूमि पर आधारित है जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ी। अब आइए जानते हैं उस पड़ाव को जो साहित्य में योगदान होता है, कवित्री ने क्या योगदान किया, क्या दिया है, क्या सर्जनाएं की हैं, उसकी तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों, प्रमुख रचनाएं काव्य संग्रह के अंतर्गत मुकुल और त्रिधारा। कहानी संग्रह में सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती तथा उन्मादिनी। बच्चों, अभी आपने जाना कि जन्म जो है वो 1940 में हुआ है, लेकिन मृत्यु देखिए 1948 में। साहित्य में स्थान, ध्यान दीजिएगा बच्चों, आज जो कविता हम पढ़ने वाले हैं एक स्त्री पात्र हैं, और जिन्होंने सर्जना की वो भी एक स्त्री पात्र हैं। ध्यान दें, वीर रस के अतिरिक्त नारी हृदय की भावनाओं का सफल प्रतिनिधित्व करते हुए आप अपनी ओजस्वी वाणी और एक समर्थ कवित्री के रूप में हिंदी साहित्य में अपना विशेष स्थान रखती हैं। बच्चों, पारिवारिक पृष्ठभूमि का बहुत योगदान होता है हमारे और आपके अंतर्मन और चरित्र के निर्माण में। ये जो कवित्री हैं, इनका भी वैवाहिक जो परिवेश था, जब ये अपने पति के घर गई तो उनका प्रभाव इन पर बहुत ज़्यादा पड़ा, और इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलनों में जाना, कई बार जेल भी गईं, पति से प्रेरित हुईं और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सर्जना करने लगीं। उसी की एक उत्कृष्ट सर्जना
उसी हृदय की उसी गति की एक मंथन है वो कविता जो हम और आप आज पढ़ने जा रहे हैं। आइए अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं बच्चों, पाठ का मूल भाव। मूल भाव अर्थात केंद्रीय भाव, मुख्य बिंदु, ये बहुत ही आवश्यक पड़ाव है बच्चों। वैसे तो जो कविता आप पढ़ने जा रहे हैं वो एक ही क्रम में है, लेकिन अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से मैंने इसे तीन भागों में विभक्त किया है जो क्रमवार हमारे समक्ष आएंगे और हम पढ़ते जाएंगे, लेकिन उनके केंद्र में क्या भाव महत्वपूर्ण है आइए जानते हैं। पहला जो खंड, जो भाग आपके समक्ष आने वाला है, आप देखें कि उसमें क्या है। लक्ष्मीबाई के अद्भुत पराक्रम को दर्शाया गया है। जो दूसरा पड़ाव आपके समक्ष आएगा, रणभूमि में बलिदान हो जाने के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। तीसरा जो आएगा उसमें समाधि के महत्व की व्यंजना है। आइए बच्चों अब हम और आप चलते हैं विस्तृत अध्ययन को गति प्रदान करने और पढ़ते हैं एक ऐसी कविता जो इतिहास में अमर है, एक ऐसी नायिका पर लिखा गया जिसका नाम लेने पर आपके स्मृति पटल पर जो चित्र अंकित होता है वो अदम्य साहस, ऊर्जा और पराक्रम की व्यंजना करता है। एक स्त्री होने के नाते ये गर्व और हर्ष का विषय है कि मैं इस विषय को पढ़ा भी रही हूँ। और ये वीरता के इतिहास में जब भी कोई नाम लिया जाता है तो बड़े आदर बड़े सम्मान के साथ ये नाम लिया जाता है। निसंदेह इतिहास के पन्ने भी गर्वित और हर्षित होंगे रानी लक्ष्मीबाई को स्वयं में समेट कर, सहेज कर, स्वयं पर अंकित करके। बच्चों ये वो चरित्र है जिसका एक स्मरण, जो हम एक नाम लेते ही आपके और हमारे स्मृति पटल पर जो चित्र उभर कर आता है वो क्या आता है, एक वीरांगना जिसके हाथ में, एक हाथ में तलवार, दूसरे में घोड़े की लगाम और पीठ पर वो दायित्व बोध जो युद्ध भूमि में ले जा रहा है। बच्चों एक विशेष बात है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एक तो धर्म वो मातृभूमि के प्रति निभाने निकली थी, उस माँ के प्रति जिनकी वो संतान थी, लेकिन उस दायित्व बोध के पीछे उन्होंने अपने भी दायित्व को नहीं भूला। वो स्वयं भी माँ थी, वो नहीं भूली और पीठ पर अपनी जिम्मेदारी, अपना दायित्व लेकर वो रणभूमि में जाती हैं। आइए बच्चों ऐसे दिव्य चरित्र को, ऐसी समाधि को नमन करते हैं जो आज हमारा विषय भी है और जिसको याद करना हमारे और आपके हर्ष का विषय है। आइए जुड़ते हैं बच्चों, कविता है शीर्षक झांसी की रानी की समाधि पर। ये कविता उनके नहीं रहने पर लिखी गई है जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। इस समाधि की क्या विशेषताएं हैं हम और आप इसे जानेंगे। आइए सबसे पहले तो हम पाठ करते हैं। आज पुनः नहीं दोहराऊंगी बच्चों, क्योंकि आप जानते हैं कि पाठ दो तरह से करते हैं, एक सामान्य पाठ होता है और जो दूसरा पाठ होता है वो होता है छंद विधान। ये मुक्त छंद की कविता है, फिर भी मैं एक बार पाठ करती हूँ और फिर मैं अर्थ बताऊंगी। आइए देखते हैं क्या है इसमें। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यही कहीं पर बिखर गई वह, यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं, है यह स्मृतिशाला सी। सही वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, सही वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। बच्चों आपने इस पाठ को सुना, क्या भाव है इन पंक्तियों में। भावुक हो रही हूं मैं भी और रोम रोम भी बहुत रोमांचित है, गर्वित है, हर्षित है। आइए जानते हैं इस समाधि की दिव्यता,
इसकी महनीयता को जानते हैं कि कवयित्री हमें और आपको क्या बताना चाह रही है। बच्चों ध्यान दें, कवयित्री हमसे और आपसे क्या कह रही है। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी। वो कहती है कि ये जो समाधि है, जो ये कविता लिखी गई, कि ये जो समाधि है इसमें एक राख की ढेर है। जो ये राख की ढेर है वो कैसी है? वो सामान्य ढेरी नहीं है, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। ये ढेरी उस वीरांगना की है जिसने अपने प्राणों की आहुति देकर स्वतंत्रता के देवी की आरती उतारी थी। बच्चों आप सभी जानते हैं ना कि जब आरती, ध्यान दें, यहाँ आरती को दिव्य आरती कहा गया, ये दिव्य आरती की बात की गई। आप जानते हैं कि जब भी आरती उतारना हो तो कुछ प्रज्वलित करना होता है। आप दिए जलाते हैं, कपूर जलाते हैं, मतलब कुछ प्रज्वलित होना है आरती के क्रम में। आरती की प्रक्रिया तभी पूर्ण होती है। आप देखें कि रानी लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्रता रूपी देवी की आरती उतारने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने अपने आप को जला दिया और उससे उन्होंने स्वतंत्रता की देवी की आरती की। कितनी महान है ये समाधि भी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की। कवित्री कहती है कि ये जो समाधि है लघु, छोटी है, ये समाधि छोटी है, लेकिन ये है किसकी? ये झांसी वाली रानी की समाधि है। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। और वो कहती हैं कि ये वो अंतिम लीला स्थली है, अंतिम लीला, लीला मतलब कर्म, स्थल मतलब जगह, कि ये वो जगह है जहां समाधि बनी है, कि ये वो जगह है, वो स्थान है जहां लक्ष्मी मर्दानी ने अंतिम कर्म किए, अंतिम बार वो दिखी लड़ते हुए, शहीद हुई। मर्दानी का अर्थ बच्चों आप समझें, ये अति विशिष्ट है। आप सभी जानते हैं बच्चों कि जब स्त्री की सर्जना की जाती है, जहां तक मैं जानती हूं कि एक पुरुष की सर्जना और एक स्त्री की सर्जना में थोड़ा सा अंतर होता है। पुरुष से थोड़ा अधिक मात्रा में एक स्त्री में कोमल भाव भर दिए जाते हैं, दया ममता उसमें भर दी जाती है, तो वो सुकोमल भावों से भरी हुई होती है। लेकिन यहाँ इस वीरांगना ने जिस वीरता से लड़ा, जिस पराक्रम से अंग्रेजों से लड़ती रही, तो इन्हें एक उपाधि मिली मर्दानी, कि मर्दों जैसा शौर्य इन्होंने दिखाया, तो इन्हें ये मर्दानी कहकर संबोधित किया गया, कि मर्दों जैसे पराक्रम के साथ लड़ने वाली कौन थी? वो रानी लक्ष्मीबाई थी। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजयमाला से। भग्न मतलब टूटना और विजयमाला। कवित्री कहती है कि ये जो जगह है समाधि के इर्द गिर्द की, चारों तरफ की, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, कि वो टूटी हुई माला के समान यहीं बिखर गई थी। कैसे? जब युद्ध भूमि में लड़ रही थी तो कवित्री ये कल्पना करती हैं कि यहीं उनके हाथ पैर, यहीं उनके अंग कट के गिरे होंगे, यहीं वो बिखरी हुई होंगी, यहीं उनके रक्त के छींटे फैले होंगे। तो वो कहती हैं कि यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, कि वो टूटे हुए माला के समान ऐसे यहीं पर बिखर गई होंगी, उसके फूल यहाँ संचित हैं, है यह स्मृतिशाला से। पर कहती हैं कि ये जो जगह है, ये जो समाधि है, ये स्मृतिशाला है। ऐसा लगता है कि उनके फूल, यहाँ फूल का अर्थ बच्चों उनकी हड्डियों से है, उनकी स्मृतियों से है, उनसे जुड़ी हुई जो चीज़ें वहाँ पर मिली उनसे है, कि वो कल्पना करती हैं कि वो विजय माला के समान फैली, तो वो फूल के रूप में इस स्मृतिशाला में, इस जगह, वो चीज़ें रख दी गई हैं जो हमें और आपको हमेशा याद दिलाती रहेंगी। किसकी? झांसी की रानी की। और देखिए क्या कहती हैं, सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला से, कि उन्होंने हार नहीं मानी, वो अंत तक, जब तक सांस थी, जब तक रक्त की बूंद शेष थी, वो लड़ती रहीं, वार पे वार वो सहती रहीं और लड़ती रहीं। न वो पीछे गईं, न उन्होंने हार माना, न वो पराजित हुईं, वो अपनी आखिरी सांस तक वार पे वार सहती रहीं, लड़ी वीर बाला से। और वो वीरों के समान लड़ी, वीर बाला के समान लड़ी, आहुत सी गिर चढ़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला से। और वो चिता पर कैसे? आप बच्चों जानते हैं कि आहुति डाली जाती है, चाहे यज्ञ हो या जो भी हो, जब आहुतियाँ पड़ती हैं तो एक अग्निशिखा प्रज्वलित होती है, लपटें उठती हैं। तो कवित्री ने कल्पना की, वो ये कहती हैं कि आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला से। वो चिता पर कैसे गिरी? आहुति बनकर। वो ऐसे मर नहीं गई, उन्होंने अपने प्राणों की
आहुति दे दी और जब उनके प्राण गिरे उस यज्ञ में, स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, तो जो चमक, जो ज्वाला बनकर उठी, वो कौन सी ज्वाला थी? वो ज्वाला थी स्वतंत्रता की आशा से भरी हुई ज्वाला। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी। वो चिता पर गिरी, आहुति बनकर वो गई, लेकिन एक ज्वाला सी, एक लपट सी उठी, जिसने लोगों में एक उम्मीद, एक आशा जगाई, और ये स्वतंत्रता की चिंगारी बन गई। वो चिंगारी भड़की और आगे इसी राह पे लोग चले, और हम और आप आज ये सुख भोग रहे हैं कि एक स्वतंत्र भारत में हम आप जी रहे हैं। आइए बच्चों, इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य की तरफ चलते हैं। काव्य सौंदर्य आप सभी जानते हैं कि व्याख्या का एक आवश्यक पड़ाव है, और जब भी व्याख्या की जाती है तो उसमें इसका विशेष महत्व है। ये इसके द्वारा हम जानते हैं कि इन पंक्तियों की विशिष्टता क्या है। आइए जानते हैं बच्चों काव्यगत सौंदर्य। कवित्री ने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और बलिदान की गौरव गाथा का गान किया है इन पंक्तियों में। भाषा वही है, सरल सुबोध खड़ी बोली, शैली ओजपूर्ण आख्यानक गीत शैली, रसवीर छंद तुकांत मुक्त, गुण प्रसाद और रोज शब्द शक्ति अविधा। अलंकार बच्चों अभी आपने पढ़ा, यहीं कहीं पर ज्वाला सी, पहले भी मैंने आपको बताया है और आप सभी जानते हैं कि जब तुलना की जाती है, जब समानता बताई जाती है दो चीजों की, तो वहां उपमा अलंकार होता है। यहीं कहीं पर ज्वाला सी समानता बताई गई है, तो यहां पर उपमा अलंकार है। उदाहरण देने में दृष्टांत, आरती और फूल में श्लेष, और सर्वत्र अनुप्रास एवं रूपक। तो ये बच्चों इस अंश की जो व्याख्या थी मैंने आपको बताया। आइए अब आगे चलते हैं। बच्चों मैंने आपको मूल भाव के अंतर्गत बताया था कि मैंने इस कविता को तीन भागों में विभक्त किया है अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से। तो बच्चों ये वो दूसरा पड़ाव है, आप जान लें। आइए इसको पढ़ते हैं और इसके अर्थ को जानते हैं, क्या है इसमें और क्या होता है। कवित्री क्या कहना चाहती है सुनिए। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से। आइए बच्चों इसको भी सस्वर पढ़ते हैं। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से, रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। बच्चों पिछले खंड में आपने यहाँ तक पढ़ा कि आहुति में गिर गईं, अपने प्राणों को इन्होंने अर्पित कर दिया, किसमें? स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में। अब आइए देखिए कि क्या हुआ आगे, कवयित्री क्या कह रही हैं। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, ये भाव आपने बच्चों बार बार पढ़ा है और जाना है कि हम कितने दिन जीते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं होता है, हम जो जीते हैं उनमें कितनी जीवंतता से जिए हैं ये महत्वपूर्ण होता है। और जब शूर वीरों की बात की जाए, जब शौर्य और पराक्रम की बात की जाए, तो महत्व कैसा होता है, क्या होता है? वैसे तो जो वीर है वो वीर ही कहे जाते हैं, वो कहीं भी हो, आपने ये भी पढ़ा है कि वीर तो वीर ही होता है किसी भी परिस्थिति में, लेकिन जब वीर वीर गति को प्राप्त हो जाता है तब क्या होता है, उसके महत्व की व्यंजना कवयित्री ने इन पंक्तियों में की है। देखे बच्चों, बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से। कवयित्री बता रही है कि जब रणभूमि में कोई वीर शहीद हो जाता है, वीर गति को प्राप्त हो जाता है, मातृभूमि पर मर मिटता है, बलिदान हो जाता है, तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है बच्चों, क्या होता होगा? एक दृष्टांत, एक उदाहरण, एक प्रसंग के माध्यम से कवित्री इस बात को और अधिक स्पष्ट करती हैं। ध्यान दें, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। अब देखें, ये कहती हैं कि वीर का जो मान सम्मान है वो तो बढ़ जाता है कई गुना अगर वो युद्ध भूमि में शहीद हो जाए, उसमें बलिदान हो जाए। किस प्रकार? जैसे सोने की भस्म सोने से अधिक मूल्यवान होती है, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। आप जानते हैं बच्चों कि जब सोना जलाया जाता है, तपाया जाता है,
गलाया जाता है, कई प्रक्रियाओं से होकर वो शुद्धता को प्राप्त करता है। तो यहाँ वही बात कही गई कि जिस प्रकार एक सोना तप कर गल कर जल कर जिस प्रकार सिर्फ शुद्ध रह जाता है, उसी प्रकार जब एक वीर वीर गति को प्राप्त हो जाता है युद्ध भूमि में, तो उसका मान सम्मान कई गुना बढ़ जाता है, वो अब स्मृत करने वाला हो जाता है। फिर आगे देखिए बच्चों क्या कहना चाहती हैं कवित्री, रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी। वो कहती हैं कि ये जो समाधि है, रानी तो हमें आपको प्यारी थी, मर्दानी तो प्यारी थी, लेकिन अब जो रह गया है हमारे और आपके पास, उनकी स्मृति उनकी यादें, वो समाधि जो उनकी स्मृति है, स्मृतिशाला सी है, तो कहती हैं कि रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, कि ये जो समाधि है ये उनसे अधिक हमें प्यारी है, इसका मोह हमें कई गुना है। क्यों? क्योंकि यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। वो कहती हैं इसलिए ये अधिक प्यारी है, रानी से भी ज़्यादा प्यारी है, क्योंकि यही वो जगह है, यही वो समाधि है जिसमें स्वतंत्रता की जो उम्मीद थी, जिसकी हम परिकल्पना करना चाह रहे थे, जो हमें पाना था उसकी जो उम्मीद। पहले तो बच्चों किसी चीज़ को अगर आपको पाना है तो एक उम्मीद, एक आशा की किरण जो होती है वही आपको प्रेरित करती है और तब आप प्रयासरत होते हैं। कवित्री कहती है कि जो आशा की चिंगारी निकली थी वो इसी समाधि से निकली थी, इसलिए हमें ये बहुत ज्यादा प्यारी हैं। कौन? ये समाधि किसकी? मर्दानी की। किसकी? झांसी की रानी की। किसकी? लक्ष्मीबाई की। आप विस्मृत ना करें बच्चों कि बहुत सारी बातें बताई गई कि बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से। ये बात आपने बार बार और कई बार पढ़ा है कि जब कोई युद्ध भूमि में शहीद हो जाता है तो उसका मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो भारत माता के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर जाता है। तो इसलिए इन पंक्तियों में कवित्री ने यही बताया कि जब रानी नहीं है तो उनका मान कितना गुना बढ़ गया है और उनकी समाधि हमें और आपको क्यों प्यारी है, क्योंकि यहीं से वो चिंगारी निकली जो पूरी दुनिया में फैल गई, जिसने ये उम्मीद, ये आशा, ये उत्साह, ये इच्छा शक्ति हमारे अंदर जगाई कि सब संभव है, हम अंग्रेजों को भगा सकते हैं, हम स्वतंत्र भारत में सांस ले सकते हैं, बस हमें जगना है, हमें प्रयास करना है, हमें अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी है। ये आशा, ये चिंगारी रानी लक्ष्मीबाई ने प्रज्वलित की थी और उनकी समाधि इसकी व्यंजना इन पंक्तियों में कर रही हैं कवित्री। ये समाधि उसकी गवाह है, उसकी साक्षी है कि ये हमारे उस गौरवशाली इतिहास को स्वयं में समेटे है, सहेजे है, जिसकी परिकल्पना मात्र से हमारा मुखमंडल जो है वो चमत्कृत होने लगता है, गौरव से भर जाता है। एक ओज, एक उम्मीद, एक आशा, एक असंभव को संभव में कर देने वाली शक्ति हम महसूस करने लगते हैं। ये ऐसी समाधि है, ये सामान्य समाधि नहीं है। आइए बच्चों काव्य सौंदर्य की तरफ चलते हैं। अभी आपने जिन पंक्तियों को पढ़ा उसके काव्य सौंदर्य की तरफ हम चलते हैं। कवित्री ने लक्ष्मीबाई की समाधि से स्वतंत्रता प्राप्त की प्रेरणा प्राप्त करने के लिए युवकों का आह्वान किया है। भाषा सरल खड़ी बोली है, शैली ओजपूर्ण आख्यानक गीत शैली, रसवीर छंद तुकांत मुक्त गुण ओजयोग प्रसाद, शब्द शक्ति अभिधा। अलंकार बच्चों ध्यान दें, बढ़ जाता है सोने से में दृष्टांत, जो मैंने पढ़ाते समय भी आपको बताया कि उदाहरण दिया गया सोने का कि कैसे मान बढ़ता है। आशा की चिंगारी में रूपक और अनुप्रास, भाव साम्य अर्थात वो पंक्तियाँ जिनकी समानता है इस कविता की इन पंक्तियों से। क्या है ये? श्याम नारायण पांडे की पंक्तियाँ हैं। ध्यान दें बच्चों क्या है, जो देश जाति के लिए शत्रु के सिर काटे कटवा भी दे, उसको कहते हैं वीर आनहित अंग अंग छटवा भी दे। ये इन पंक्तियों का सौंदर्य था। आइए बच्चों अब शेष अंश की तरफ चलते हैं, समय की कुछ अपनी सीमाएं हैं उसको भी ध्यान देना है। आइए अब इन पंक्तियों की व्याख्या की तरफ चलते हैं, इनके पाठ की तरफ चलते हैं। इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निशित में क्षुद्र जंतु ही गाते, पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी, बुंदे ले अरबों लोगों के मुंह हमने सुनी कहानी,
खूब लड़ी मर्दानी, वह थी झांसी वाली रानी। यह समाधि, यह चिर समाधि है झांसी की रानी की। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। आइए बच्चों, ये तीसरा और आखिरी पड़ाव है हमारा और आपका। ध्यान दें कि अब इस समाधि की विशिष्टता बताई गई। अभी तो आपने जाना कि रणभूमि में बलिदान हो जाने से क्या होता है और रानी का पराक्रम शौर्य कैसा था। अब इन पंक्तियों में समाधि में क्या विशिष्टता है, ये कवयित्री ने बताने का प्रयास किया है। आइए हम और आप जानते हैं इन पंक्तियों की व्याख्या और गर्व करते हैं अपने इतिहास पर, जिन्होंने ऐसे ऐसे संतानों को खुद में समेटा है, सहेजा है। वो पन्ने कितने चमत्कृत हैं जिन पर ये अंकित हैं। आइए, कवित्री कहती हैं, इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में हैं पाते। वो कहती हैं ऐसी बात नहीं है कि ये समाधि सबसे उत्कृष्ट है, हम तो संसार में जग में इससे बहुत सुंदर सुंदर समाधियां देखते हैं और पाते हैं, लेकिन उनकी गाथा पर निशीत में क्षुद्र जंतु ही गाते। लेकिन उनका जो यशोगान है वो कैसा है, क्यों हम और आप ऐसा पाते हैं कि उन बड़ी और विशिष्ट समाधियों पर रात्रि में क्षुद्र जंतु ही गाते हैं, मतलब छिपकली और झींगुर, गीदड़, यही सब वहां पाए जाते हैं। तो क्या विशिष्टता है, फिर कैसे मान लें कि इससे भी सुंदर समाधियां हैं। ध्यान दीजिए कि कवित्री किन भावों की व्यंजना करना चाहती। वो कहती है इससे भी सुंदर समाधियां तो संसार में हैं, लेकिन उनकी गाथा पर निशीत में क्षुद्र जंतु ही गाते। पर क्या है, वहां तो रात में कौन गाता है, झींगुर, छिपकली और गीदड़ ही वहां मिलते हैं, यही उनका यशोगान करते हैं। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी। पर जो ये मर्दानी की समाधि है, जो ये रानी की समाधि है, ये कैसी है, ये तो कवियों की बाणी में पिरोकर अमर हो गई है। आप जानते हैं बच्चों कि जब कोई चीज लिपिबद्ध हो जाता है तो वो अमर हो जाता है, वो अमिट हो जाता है, जब वो कहीं अंकित हो जाता है। तो कवित्री कहती है कि पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी की, जो छोटी सी समाधि, लघु समाधि रानी की है, ये तो कवियों की बाणी में अमर हो चुकी है, अमिट हो चुकी है, कभी न मिटने वाली है ये कहानी। स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी, और इसको आज भी बड़े ही आदर और सम्मान के साथ वीरों की वाणी गाती है। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी। फिर वो कहती हैं कि हमने ये कहानी बुंदेलों और हरबेलों के मुंह से सुनी है, बार बार सुनी है, कि खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी, कि जो मर्दों के समान अद्भुत पराक्रम, अद्भुत शौर्य के साथ लड़ी थी वह झांसी की रानी। वह मर्दानी कैसी थी, वो यही थी जिसकी ये समाधि छोटी सी है, वो अद्भुत पराक्रम के साथ लड़ी, वो मर्दों जैसी लड़ी, वो नहीं डरी, वो अड़ी रही और लड़ती रही तब तक जब तक कि वो वीरगति को प्राप्त नहीं हो गई। यह समाधि, यह चिर समाधि है झांसी के रानी की। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। कवित्री कहती हैं कि यही वो समाधि है जहां पर उनकी, वो ये अंतिम लीला स्थली है, यही वो समाधि है जहां झांसी की रानी की स्मृतियां सिमटी हैं, सहेजी गई हैं हमारे और आपके लिए। ये लीला स्थली है उनकी, और ये सम्मान की पात्र हैं, आदर की पात्र हैं, ये मर्दानी हो गई हैं। सोचिए बच्चों कि कैसी कैसी व्यंजना कवित्री ने कर दी इन शब्दों में। आइए काव्यगत सौंदर्य से परिचित होते हैं। कवित्री ने रानी की समाधि के प्रति अपना श्रद्धा भाव व्यक्त किया। भाषा वही खड़ी बोली है, शैली गीती है, रसवीर छंतुकांत मुक्त, गुण प्रसाद और उज, और जो शब्द शक्ति है वो व्यंजना है। व्याख्या का एक प्रारूप बच्चों आपके समक्ष, क्योंकि आप जानते हैं कि बिना इसके कोई व्याख्या पूर्ण नहीं होती, पहले भी बताया गया था, पुनः बताती हूँ। व्याख्या लिखने से पहले हम संकेत डालते हैं, फिर आद्यंत, जिसमें हम आदि और अंत इसको लिखते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुआ है और अंत कहाँ हुआ है, अर्थात इन्हीं पंक्तियों की व्याख्या इनमें है। संदर्भ जान ले, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी की समाधि पर शीर्षक से अवतरित है या ली गई है। यह कविता उनके त्रिधारा नामक काव्य संग्रह से है।
बच्चों पूरे पाठ में ये तो नहीं बदलने वाला, संदर्भ एक चलता, आप पहले भी बताया जा चुका है, प्रसंग बदलते रहेंगे। इन पंक्तियों का प्रसंग, इन पंक्तियों में रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उनके प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस पाठ के अंतर्गत कुछ कठिन शब्द आए, आइए एक नजर इस पर डालते हैं। दिव्य का अर्थ होता है अलौकिक, लीला स्थली मतलब कर्म स्थली, रण मतलब युद्ध, मूल्यवती मूल्यवान, निशीत मतलब रात्रि, अमिट मतलब कभी न मिटने वाली। और आइए अब अपने अभीष्ट की तरफ चलते हैं, अंतिम पड़ाव जिसे हम मूल्यांकन कहते हैं, जिसके बिना कोई भी चर्चा, कोई भी अध्ययन पूरा नहीं कहा जा सकता। ये वो आखिरी पड़ाव जो बताएगा कि हमने और आपने क्या पाया। मूल्यांकन के अंतर्गत पहला प्रश्न, सुभद्रा कुमारी चौहान का संक्षिप्त जीवन परिचय प्रस्तुत करते हुए उनकी कृतियों का नामोल्लेख कीजिए। संप्राप्ति, आज हमने और आपने क्या पाया। हमने गर्व और हर्ष के वो क्षण पाए जो रानी लक्ष्मीबाई ने मर्दानी कहकर अर्जित किए थे, उन्हें जो विश्व ने दिया, जो इस दुनिया ने जो एक नाम दिया, वो हमारे और आपके गर्व का विषय है। और हमें उम्मीद है कि ये पाठ बच्चों आपको बहुत पसंद आया होगा। ओज की एक धारा जो पिछली कक्षा से ही प्रवाहित होती चली आई है, हमने और उसमें आपने, हम दोनों ने उसमें अवगाहन किया। अपनी आत्मा को दिव्य हम समझने लगे हैं कि कैसा इतिहास हमारा रहा है और कैसे कैसे लोग रहे हैं। आइए बच्चों, हम सभी गर्व करते हैं अपने इतिहास पर, अपने शूरवीरों पर। पुनः अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।